السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام

और ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने यहूद नसारा से हमें सलाम में पहल करना है या नहीं करना है इससे मतलब आपने ज़िक्र किया सबसे पहली बात इस हदीस से जो हमें मालूम होती है वो ये है कि पहले किताब से चाहे वो नसरानी हो चाहे वो यहूदी हो यहूदो नसारा में से किसी से भी हमें सलाम में पहल नहीं करना है अगर कभी मुलाकात हमारी उनसे हो जाए रास्ते में या फिर हम कारोबार कर रहे हैं तजारती मामला है कुछ भी है हमें यहूद नसारा से सलाम में पहल नहीं करनी है उनसे सलाम में पहल नहीं करनी है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इससे सख्ती से रोका है रोकने के बावजूद भी अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है गोया कि वो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है और वो गुनहगार होगा दूसरी बात वजह क्या है, इल्लत क्या है क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा कि अहले किताब से सलाम में पहल नहीं करनी है वजह यह है अगर इंसान किसी से सलाम में पहल करता है तो एक तरह से वो शख्स उसकी इज्जत कर रहा होता है तज़ीम पाई जाती है कि वो इंसान जा कर के उससे सलाम में पहल कर रहा है और एक मोमिन के मुकाबले में एक मुसलमान के मुकाबले में कोई यहूदी नसरानी या फिर किसी और धर्म का मानने वाला है इनके मुकाबले में उनके लिए कुछ भी इज्जत नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरान करीम में फ़रमाया वलाहत वल वलिरसूलिही ही वलमअमिन वन्नफ़िन अला आलम सही मानों में अगर कोई है जो इज्ज़त वाले हैं काबिल एहतराम और काबिल तज़ीम है तो वो अल्लाह रब्बुल रबुलमीन की ज़ात है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि स की जात है और इसी तरीके से जो अहल ईमान हैं ये लोग इज़्ज़तदार हैं इस वजह से कभी भी हमें उनसे सलाम में पहल नहीं करनी है इसी तरीके से इस अदीस से तीसरी बात हमें ये मालूम होती है अगर कभी रास्ते में हमारी उनसे मुलाकात होती है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि उनके लिए रास्ता हम दे दें कुशादगी रास्ते में पैदा कर दें ताकि वो आसानी के साथ रास्ता पार कर ले क्यों अगर हम उनके लिए रास्ते में कुशादगी पैदा करते हैं तो गोया कि एक तरह से उसकी तज़ीम उसकी अजमत हमारे दिल में है और ये भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है इसी तरीके से कोई यहूदी है नसरानी है उससे हम उफत मोहब्बत का इजहार करें ये भी जायज और दुरुस्त नहीं है हम उससे उल्फत मोहब्बत का इजहार करें फिर सवाल ये पैदा होता है अगर कोई यहूदी सलाम में पहल कर दे यानी हमने उससे सलाम नहीं किया लेकिन उसने हमसे सलाम किया तो उसका जवाब हम किस अंदाज में देंगे सही की रिवायत है कि रवायत है अलैकुम अहलुल किताब फकूलू अलैकुम जब कोई यहूदी नसरानी तुमसे सलाम करे तो तुम्हें सिर्फ कितना जवाब देना है वलैकुम कहना इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना वो तुम्हें कुछ भी कहे सिर्फ़ तुम्हें वही पर ही इक्तफा करना है इससे ज़्यादा उसके सलाम का जवाब नहीं देना है यही मामला कोई मुशरिक है कोई काफिर है उसके साथ भी हमें ऐसा ही मामला करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है एल आलमीन तू हमें अहादीसी मुबारका पर अमल करने की तौफीक दे आमीन वरह ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जज़ाक जजाकल्ला